खिचड़ी। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। थैंक्स। क्या ब्यूटीफुल और थैंक्स, ऐसी शेम शेम पपी शेम तस्वीरें देखते हुए शर्म नहीं आती? अंशु, ये फ्रेंच राजकुमारी की खास तस्वीर है, है पर उसे कपड़े तो पहन लेने देते। ये देखिए, हैं? ये तो सुपर है। आपको पसंद है? हैं। ये तो एकदम, अरे वाह। ये मेरे दादाजी हैं। हैं। और जयश्री, तूने तो कहा कि ये घोड़ा है। नहीं, इसे थोड़ी कहा। मैं तो इसे कह रही थी। ये। अच्छा ये। ये मेरी दादी है। अच्छा। ये घोड़ी है? हाँ। दादी पे बैठ के ही मैं स्कूल जाया करता था। अच्छा। टांगे वाली थी ना, टांगा चलाकर पैसे कमाती थी। और मेरी नानी भालू थी। अरे वाह। सड़क पे खेल करके पैसे कमाती थी। देख जोशी, कौन कहता है कि औरतों को रोजगार नहीं मिलता? अगर मौका दिया जाए तो नारी क्या क्या नहीं कर सकती है। और बेटी, हंसा भाभी बांध दे। हाय, घोड़े को फेंक दिया। और हमें भी। ए, आप देखिए आपकी पेंटिंग। ये क्या कर दिया तुमने? आपकी अधूरी पेंटिंग पूरी कर डाली। पहना दिया कपड़े भाभी को। अरे कपड़े नहीं पहनाने थे, इडियट, पागल नकी। क्या? ए, आप ऐसी असभ्य बातें कैसे कर सकते हैं? हम उस देश के वासी है जिस देश में खजुरा और कामसूत्र की रचना हुई है। संस्कारी। बैठिए जाने का देखे, बैठिए जान। थैंक यू। गेट आउट कह रहा है ये? हाँ, गेट आउट। आप भी गेट आउट। वेलकम टू डे एवरीबॉडी। मल्लू, आपको भी फेंक दिया? देखो ना। पर मेरे प्रफुल का है भाई साहब। आएगा आएगा, दो मिनट में वो गधा भी आएगा। मैडम, ओ मैडम, हेलो। ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमक चूम लई। हेलो, आप चित्रकार हैं? भाई साहब, गैलरी में खड़ी हूँ हाथ में ब्रश लेके, तो मैं चित्रकार ही होंगी ना? ऐसा जरूरी नहीं है, हाथ में ब्रश लेकर तो मैं भी खड़ा रहता हूँ गैलरी में रोज सुबह। हाय दैया, आर्ट गैलरी में? नहीं, एक ही गैलरी में। ना, 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 ना। आठ आठ गैलरी में क्यों खामखा खड़ा रहूंगा मैं? सुबह सुबह किसके पास इतना टाइम रहता है बहन जी? आर्ट, आर्ट गैलरी, और मैं टूथब्रश नहीं, पेंट ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। दांत साफ करने के लिए? तो रंग नहीं लग जाता दांत पे? भाई साहब, मैं पेंट ब्रश से पेंटिंग कर रही हूँ। पेंटिंग? अरे हाँ, अच्छा 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 अच्छा। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। कुतुब मीनार? चार मीनार, ये चार मीनार है। हाँ, लेकिन चार में से एक तो कुतुब मीनार है ना? कुतुब मीनार मेहरोली में, दिल्ली में है, और ये हैदराबाद में है। अच्छा अच्छा, झारखंड। मैंने कहा चार मीनार हैदराबाद में है, और हैदराबाद झारखंड में नहीं है। तो कहाँ है? तेलंगाना में। लेकिन बहन जी, अभी अभी आपने मुझे बताया कि कुतुब मीनार मेहरोली में है। हाँ, तो कुतुब मीनार मेहरोली में ही है। हैदराबाद तेलंगाना में है। अच्छा, मतलब झारखंड में नहीं है। कैसे हो सकता है? जब वो तेलंगाना में है तब वो झारखंड में नहीं हो सकता है ना? क्या मेहरोली? चार मीनार हैदराबाद, ये मेरा पेंटिंग तेलंगाना। अरे लेकिन बहन जी, आपका ये पेंटिंग इस वक्त तो मुंबई में है, और मुंबई कहाँ तेलंगाना में है। इस तरह झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको बहन जी? माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मेहरबानी करके अब आप मुझे इस एग्जीबिशन में ध्यान देने दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मतलब आप चित्रकार हैं?
भाई साहब गैलरी में खड़ी हूँ हाथ में ब्रश लेके, तो मैं चित्रकारी होंगी ना? ऐसा जरूरी नहीं है। लो आ गया गधा, हमें बाहर फेंक दिया। इसके एग्जीबिशन का क्या होगा? बाबूजी मैं हूं ना। अरे तू तो रहने ही दे। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। होगा, हिमांशु की कला का एग्जीबिशन भी होगा और एक एक पेंटिंग बेच के मुनाफा भी होगा। और याद रहे, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अन्न का एक भी दाना मुंह में नहीं डालेंगे बाबूजी। हमें किसी ऐसी सनसनीखेज व्यक्ति को बुलाना होगा जिसके आते ही लोगों में खलबली मच जाए, हलचल मच जाए। अच्छा अच्छा, तो जैसे हम अपने गली के वो गुंडे को पप्पू को बुला लेते हैं ना, उसका नाम सुन के कैसे लोगों में ऐसे खलबली मच जाती है, है? बुला ले, बुला ले। मंशु पप्पू भाई को बुला ले, वो एग्जीबिशन में तीन चार लोगों को चाकू मार देगा ना पेट में, तो अखबार वाले अपने आप पहले ही पन्ने पे तेरे एग्जीबिशन के समाचार छाप देंगे। है ना, है ना? प्रफुल गधे, गुंडे, मवाली और खलनायक नहीं। अरे नहीं बाबूजी, हंसा भाभी की बात सुनकर मुझे वर्ल्ड बेस्ट आइडिया आया है। अब ध्यान से सुनिएगा लंका नरेश, क्योंकि ये है विधि का विधान। हमारे यहाँ भगवान तो आए थे लेकिन हमने उनको भगा दिया। बाए बाए। क्यों ना इस बार हम किसी खलनायक को या राक्षस को बुलाए, जैसे दुर्योधन, कंस, रावण। बिल्कुल बकवास आइडिया है। क्या है बाबूजी आपको? अरे तू कैसे बुलाएगी रावण को? क्यों? और वो क्यों आएगा एग्जीबिशन में? पप्पू भाई, मंशु पप्पू भाई को बुला ले। हाँ, और वैसे भी पप्पू के सामने रावण तो एकदम लींबू टींबू है। ये लींबू टींबू अर्थात आप एक जगह क्यों नहीं रहते और हमें ये लींबू टींबू का अर्थ समझाइए। अर्थात भोले, नादान, नन्हे से बालक, इन शॉर्ट आप लींबू टींबू। हमारा तहस, हमारी उपेक्षा, हम हंसा का अपहरण करके उसे। सावधान, हंसा का अपहरण करते समय यदि प्रफुल्ल आ गया तो आपकी सुख शांति का चिरहरण हो जाएगा। मुनिवर, हम दशक्री दशानन लंकापति रावण। सब पता है, कितनी बार रिपीट करेगा। हाँ हाँ पता है, लेकिन सुनिए, यदि हमने हंसा, प्रफुल्ल, जयश्री, हिमांशु इन्हें लहू के अश्रु नहीं रुलाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिए। नया नाम सोच के रखूंगा। हाँ, क्योंकि लहू के अश्रु तो आप बहाएंगे नारायण नारायण।